या ऋतिक मिश्रा आए हैं इनको मैं ऐड करता हूँ

कंडेम ही करता हूं मैं लेकिन आज जो आ, यहाँ पे आउटलुक है ब्राह्मण के प्रति मुझे वो भी गलत ही लगता है दुनिया में दो गलत चीजें मिलकर कभी एक सही चीज नहीं बन पाती खैर मैं उन तीन बातों में से अच्छा एक चीज बताएगा ऋतिक मिश्रा आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आप ब्राह्मण हैं आपको क्यों लगता है कि आप ब्राह्मण हैं आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि आप एक भारतीय हैं आप एक इंसान हैं और आप आ, एक मानव हैं आपके अंदर मानवता है आप अपने को एक ब्राह्मण से क्यों लादना चाहते हैं जिस पर यह आरोप है कि उसने धर्म ग्रंथों में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी एक खास वर्ग के प्रति इतनी गलत गलत धारणा को धर्म बना के लगातार उसका शोषण करता रहा करवाता रहा तो वही शोषण वाला जो नाम है ब्राह्मण उसका नाम टैग लेकर आप क्यों चलना चाहते हैं आप अपने को उस चीज से हटा

और ब्राह्मण तो एक आपके यहाँ ये भी आप लोगों ने प्रचारित किया है कि ब्राह्मण तो सिर्फ जो एजुकेटेड व्यक्ति थे उनको कहा जाता था बुद्धिज्म में तो ब्राह्मण उसी को कहा गया है बमहन उसी को कहा गया है जो एजुकेशन देते थे आप लोगों ने दरअसल उसको जाति बनाया है और जातिवाद कुट हो रहे हो और जो आपने हेटरेट की बात कही ना एक तरफा हेट्रेड ये देखे ये आपका ब्रह्म सूत्र है शंकर भाष्य है ब्रह्मसूत्र ये क्या लिखता है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का न उसके अर्थ समझ का अधिकार है न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसको दोनों कानों में शीशा रागा पिघलाकर भर देनी चाहिए शूद्र चलता फिरता शमशान होता है उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर या शरीर चीर देना चाहिए शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए अब जिसने ये भाष्य किया है उसको पूरे ब्राह्मण संप्रदाय में एक बड़े ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है

ने भी अपने बातों में नहीं लिखा होगा और लिख भी देगा तो वो उसकी अपनी पर्सनल बात होगी पर ये जो बातें लिखी हुई हैं धर्म ग्रंथों में वो तो सीधे सीधे आपने उसको धर्म का हिस्सा बनाकर और सारे लोगों के मन का हिस्सा बना दिया ना कि ये ईश्वर की आज्ञा है तो सबसे बड़ा हेटरेट तो आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है अब इस हेटरेट की प्रतिक्रिया के तौर पर लोग विरोध करते हैं कि ब्राह्मण ऐसा होता है देखें ये सब हम लोगों से कितना नफरत रखा है तो जो इस बात को जो सबके सामने कह दे रहा है कि ब्राह्मण हम लोगों से इतना हेट रखता है उसको आप कह रहे हैं कि ये हेटरेट है जबकि आपके धर्म ग्रंथ में धर्म का हिस्सा बना के इतनी हेटरेट रखी गई है इस पर आपका क्या बोलना है ऋतिक मिश्रा सर पहली बात तो मैं अपना कोई मुझसे जाति पूछता तो मैं वैसे ही उसको मना कर देता हूँ मैं नहीं बताऊंगा और दूसरी बात जो धर्म सूत्र की बात है अगर कोई इस डिबेट को सुन रहा है और वो इस इसमें विश्वास रखता है तो मैं उसको वे करता हूं। ये जिसने लिखा है अगर मुझे कभी मिल जाए तो मैं उनको भी कंडेम करूंगा जो उसमें मानते हैं उनको भी मैं कंडेम नहीं करता हूँ ये बिल्कुल गलत बात लिखी है देखिये गलत बात लिखी है पर क्या इस किताब को आज तक डिनाई किया गया है आपने यहाँ पे तो कह दिया इस आधार पर कि भाई लिखा है तो गलत लिखा है पर ब्राह्मण पिछले हजार साल से इसी को पीढ़ी दर पीढ़ी शंकर अगर नौ सदी का है और आज इक्कीसवीं सदी चल रही है अगर हम मान लें कि उसी की ये बात है तो इतने सालों से पीढ़ी पीढ़ी दर ब्राह्मण ढो के ला रहे हैं धर्म का हिस्सा बना के तो जरा सोचिए पिछले तेरह सो साल में कितना उन्होंने हेट किया है इन धर्म ग्रंथों के आधार पर और यही नहीं ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया आप ये देखें आपने किसी दूसरे धर्म को भी गाली दी है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथ में किसी दूसरे धर्म को क्यों गाली देता है और आपने क्या गाली दिया ये वाल्मीकि रामायण अभी राम मंदिर बन रहा है इसी वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम को सब जानते हैं और राम का कोई सबूत नहीं और इसी वाल्मीकि रामायण में आप ये देखिए कि जब आप इस तरह की बातें लिखते हैं ये इनका एक सौ है अयोध्या कांड का और इसमें जब आप जो जिसके कारण भारत की छवि है बुद्ध को और नास्तिकों को जब ऐसी बात लिखते हैं कि जैसे चोर दंडनीय है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है मतलब चोर से तुलना कर दिए बुद्ध को जबकि बुद्ध का गलती आपने नहीं दिखाया चोर तो चलो किसी को चोर कहा जा रहा है यानी कि उसने चोरी किया है उसने कुछ किया है गलत काम किया है पर आपने क्या किया कि बुद्ध की एक भी गलती नहीं दिखाई और सीधे क्या कह दिया चोर दंडनीय है इसीलिए बुद्ध भी दंडनीय है और तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए यानी इन लोगों को भी चोर समझना चाहिए इसीलिए प्रजा पर अनु पूरा करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिकों को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए मतलब ये कह रहा है कि अगर उनको दंड दिलाया जा सके मतलब गलती नहीं पता है पर यह प्रयास किया जा रहा है कि अगर कहीं से भी इनको दंड दिलाना पॉसिबल हो तो चोर जैसे चोर के हाथ काट दिए जाते हैं या चोरी का ऐसे इन लोगों को दंड दिलाना चाहिए परंतु जो वश के बाहर हो मतलब जिस पर आपका वश नहीं चल पा रहा हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो उससे वार्तालाप तक ना करे मतलब जो नास्तिक पर आपका दम नहीं चल रहा है उसको आप चोरी में नहीं फंसा पा रहे हो तो उसको क्या करो कि उसको उसे बातचीत भी करना बंद कर दे अब जरा सोचिए कि आपके धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण कितने हेटरेट फैला रखे हैं धर्म का हिस्सा हेट को उन्होंने धर्म का हिस्सा बना दिया है अभी इसमें इन्होंने पूरे नास्तिक को टारगेट कर लिया बुद्ध को टारगेट कर लिया उधर शूद्र को टारगेट कर लिया अब जरा ये सोचिए आप कि ब्राह्मण कितने हेटरेट उनके अंदर भरा पड़ा हुआ है आप अपने को ब्राह्मण कहते हैं आप सोचते हैं कि आपको लोग ऐसा क्यों बोलते हैं भाई आप अपने धर्म ग्रंथ देखे जिसके नाम पर आप मंदिर बनवा रहे हैं सब लोग बैठ के मंदिर बनवा रहे हैं और वो इतना बड़ा हेटरेट उन किताबों में लिखा हुआ है तो तो उसके आगे तो आपको कोई अगर कुछ भला बुरा कर दे रहा है तो, तो कुछ है ही नहीं क्योंकि उसने अपना धर्म का तो हिस्सा कम से कम नहीं बना लिया है ना लेकिन आपने तो इस हेटरेट को ही धर्म का हिस्सा बना लिया है ये यहाँ पे बात है ना बोलिए ऋतिक जी जी सर, मैं बस एक सवाल एक तो मैं करता हूँ देखे रामायण की बात चल रही है, तो है, है? बिल्कुल बात कर रहे हैं तो... हाँ, दो लोग बात अब ये आप बताइए कि आपके धर्म का हिस्सा है तो ये किसका हो सकता है आपके धर्म का हिस्सा है आपके धर्म में उस समय बुद्धिस्ट कौन था आप त्रेता युग की बात कर रहे हैं की त्रेता युग में कोई राम हुए थे आपके तरफ से थोड़ा बैकग्राउंड साउंड रहेगा तो जब मैं बोलू ना आप म्यूट कर लिया कीजिए तो जब त्रेता युग की बात चल रही है और आपका जो लेखक है इन्हीं के माध्यम से कहलवा रहा है तो वहाँ पे बुद्धिस्ट कौन था त्रेता युग में बुद्धिस्ट कौन था आपके राम के समय में कौन बुद्धिस्ट था जहाँ पे ये सारी बातें हो रही हैं समझ रहे हैं और यहाँ पे ये तो कह भी तो दिया कि उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो यानी कि ब्राह्मणों को ही ये कहा जा रहा है ब्राह्मण खुद ही ये बात कह रहा है ये ब्राह्मण लोगों के द्वारा आपके ऋषियों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि ये समस्त ब्राह्मण जो है इन लोगों को ऐसा करना चाहिए और जो नास्तिक उनके बस का नहीं हो तो ब्राह्मण लोग उसको फिर छोड़ दीजिए उसे बर्तालापलाप करना बंद कर दीजिए तो ये ब्राह्मणों के लिए ही बात आई है देखिए नीचे वाला सीधे सीधे पढ़ लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो देख लीजिए आप तो सर मैं बस ये एक स्टेट करना चाहता था कि जनरली लोग एक कोट करते थे रामायण में सब वो रामचरित रामायण ये मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन उसमें से वो कोट करते थे कि ये कहा गया था कि बाली ने मरते मरते कुछ ऐसा कहा था कि आप आपने मुझे क्यों मारा जबकि आप मेरा मांस खा भी नहीं सकते और मांस तो खा जाता है खाली उन पशुओं का जिनके तीन खोर होते तो तो कि तो तो ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया है उसमें लिख दिया ना कि उन्मुख ब्राह्मण को ये ऐसा वो नहीं करना चाहिए राक्षस कहता तो राक्षसों के लिए कहता ना ब्राह्मण अपने ब्राह्मणों के लिए कह रहा है ना वो आपके स्क्रीन पे है एक ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों के लिए ये बात कह रहा है आपके जो ऋषि हैं वो ये बात कह रहे हैं यहाँ पे वो वाली बात थोड़ी ही है कि <laughs>

की ये बात हो ये जब धर्म का हिस्सा बना दिया जाए कि यही हमारा धर्म है इसी के कारण ही सारा धर्म है तब ये आपके कह देने से नहीं बात आएगी ना जैसे यहां कमेंट में आपके खिलाफ कोई कह दे कि मिश्रा तो बड़ा धूर्त है इनके पुरखे ऐसे थे वैसे थे तो हम भले कह सकते हैं कि देखो ये आपकी पर्सनल थिंकिंग हो सकती है इस व्यक्ति के प्रति लेकिन जब वो धर्म का हिस्सा बना दे जब आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दिया जाए कि मिश्रा या ब्राह्मण जो है धूर्त होते हैं और हमेशा ही धूर्त होते हैं तब आप कहोगे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे खिलाफ जातिवाद कर दिया समझ रहे ना तब आप कहोगे तो यहाँ पे आप इसलिए नहीं कह सकते कि पर्सनल राय है पर आपने जिस वाल्मीकि रामायण को जो जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं जो उनके मंदिर बनवाए जा रहे हैं इससे ये पता चलता है कि इस किताब पर आज तक किसी ब्राह्मण ने खुद ही ये बात नहीं कहा कि वाल्मीकि रामायण में गलत लिखा है और इसी किताब को धार्मिक किताब बना के और इसी किताब के चरित्र को पवित्र मान के आगे बढ़ा जा रहा है ना यानी कि ये जातिवाद है पूरा ब्राह्मणों का जातिवाद है मिली जुली एक सिंगल ब्राह्मण तक आगे नहीं आया ये तो आपने सामने देख लिया तो आपने कह दिया ना सामने देख लिया तो आपने कह दिया और उसमें भी आपने ये खोजने की कोशिश की कि कहीं किसी दूसरे के द्वारा कहीं कहा हुआ गया हो तो हम इसको काट उठ लेंगे कहेंगे किसी दूसरे का कहा गया है जबकि ये बात ही किसने लिखा है

तो ब्राह्मण जो है अपनी कुछ कुछ चीजें छुपाने की भी कोशिश करता है ना विकास तो मेरा भी इतने दूध के धूले थोड़े ही है अच्छी बातें करते हैं सब बातें अब देखिए ये रामचरित मानस में छह सौ छाछ पेज है गीता प्रेस गोरखपुर कूर। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है इसका मतलब पहला ही इसका जो चौपाया है शाप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण कुछ नहीं है ऐसा संत कहते हैं शील और गुण से होने से भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गुण गुणों से युक्त ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं अब बताइए सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है क्या कह रहा है तुलसी देखिए कितना बड़ा ये जातिवादी व्यक्ति है इसके जातिवाद देखिए इसका हेटरेट देखिए शूद्रों के प्रति कि कह रहा है कि गुण गणों से युक्त मतलब सारे गुण हैं गण है सब चीज से युक्त है ज्ञान में निपुण है फिर भी सूर्य पूजनीय नहीं है अब इससे ज्यादा जातिवादी क्या होगा और ये क्या कह रहा है सील और गुण से हीन भी मतलब कि ब्राह्मण के अंदर सील भी नहीं है गुण भी नहीं है तो भी ब्राह्मण पूजनीय है तो असली जातिवाद कट्टर जातिवाद ये हुआ ना और ऊपर क्या कह रहा है साप देता हुआ मारता हुआ कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है ऐसा संत कहते हैं अब ये देख लीजिए तो तुलसी तो सबसे बड़ा जातिवादी धूर्त व्यक्ति निकल गया ना इसने इसने तो पूरा कट्टर जातिवाद फैला दिया ना यहाँ पे सीधे सीधे जातिवाद फैला दिया जी सर जो आर्गुमेंट था वो ये नहीं था की तुलसी दास का रामचितिखा मानस है, बट वो ये था इन्होंने वाल्मीकि की काफी चीजें हटा दी थी तो ये एक तरह का नहीं नहीं वाल्मीकि का उसने कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं हटाई तुलसी ने जातिवाद को स्थापित किया समाज में तुलसी जो आगी है आगी थी। इसे प्रोग्रेसिव थोड़े होगा वो तो काल्पनिक कहानी है ना रामायण जो है वो एक काल्पनिक कहानी है और तुलसी जो है जब भी कोई व्यक्ति अपना रिमिक्स बनाता है कोई बात लिखता है तो हो सकता है कि उस समय जब ये लिख रहा था तब अग्नि परीक्षा वाला घटना हो भी ना उसमें समझ रहा ना आपका वाल्मीकि रामायण उस समय कोई जानता थोड़े था जब तुलसी ने रामचरित मानस लिखा तब लोगों को पता चला कि वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा कुछ लिखा होगा क्योंकि तब संस्कृत पढ़ने की अनुमति किसी भी गैर ब्राह्मण को नहीं थी और किसी भी ब्राह्मण के अलावा कोई जानता ही नहीं था समझ रहे ना तो ये भी हो सकता है कि तुलसी ने जब अपनी किताब लिख दी हो तो फिर आपके वाल्मीकि रामायण में तोड़ मरोड़ करके कुछ कुछ चीजें जोड़ तोड़ करके उससे अलग दिखाने की कोशिश भी की गई हो समझ रहे ना ये भी हो सकता है हम लोग इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोई भी ब्राह्मण के अलावा संस्कृत किताब पढ़ ही नहीं सकता था ना तो ये कहना की ये प्रोग्रेसिव था हम लोग नहीं मानते हैं ठीक है सर ठीक है वो तो आपका पर्सनल वो

लेकिन आपके महाभारत लिखते लिखते आप लोगों ने उसको क्षत्रिय बना दिया उसको कृष्ण को तो आप लोगों ने बहुत सारी हेर फेर की है अलबरूनी सेंचुरी से लेकर अंग्रेजों के समय तक में बहुत सारी हेर फेर की गई है खैर अच्छा मुद्दे की बात करें क्या आप बताना चाहते थे जी सर वैसे तो मैं अपने आपको हम लोग उन लोग में नहीं कहता और जितना भी गलत हुआ है वो गलत ही हुआ है आ, मैं तो वैसे ये सोचता था की नफरत का जवाब प्यार से दिया जा सकता है हम नहीं। 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 लेकिन मैं अपने सारे, सारे 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 ब्राह्मणों को चाहिए कि अपनी सारी धर्म ग्रंथ को उठा के जला दें। खत्म कर दे अगर उनका हेटरेट का तो लाइब्रेरी में रखवा के उनको स्वर्गवासी घोषित कर देना चाहिए पूरा समाज में प्यार मोहब्बत फैल जाएगा जब तक वो हमारे पुरुखों के हत्यारे बता के उसका जश्न मनाते रहेंगे मंदिर और धर्म बनाते रहेंगे तब तक प्यार मोहब्बत कहाँ से आ पाएगा बोलिए

कर सकते हैं कि वो बुद्धिस्ट या बसावत उने... है नहीं आपने कहा कि बसावत थे और वो तमिलनाडु के, के थे आप ये ना तो कहा था वेदों में कूड़ा लिखा है। तो अब यही बात है ना कि ब्राह्मण तो वेद को अपना प्रमुख बना रहा है और एक व्यक्ति जो कह रहा है कि हम जो हैं वेद को नहीं मानते है उसको भी आप ब्राह्मण कह के और उसका क्रेडिट ले रहे हैं आपका सवाल ये था आप जो है हाँ तो वो ब्राह्मण कैसे हुआ सवाल तो ये होगा ना कि फिर ब्राह्मण कैसे हुआ आपके यहाँ कहा गया है आपके वेद में ही ये बात लिखी गई है जो वेद निंदक है जो वेद का विरोध करता है वो सब नास्तिक है और आपके लिंगायत जिसको आप कह रहे हैं लिंगायतों के तो बहुत बुरा हाल कर दिया था इनकी भी तो मार्ग किटाई फिटाई हुई है ये तो बुद्धिज्म का एक पार्ट थे ये आठवीं नौवीं दसवीं से सेवन सेंचुरी में वाण भट्ट ने लिखा है कि ये सब ज्ञान लेने जाते थे, थे बुद्धा से मतलब की वो जो बौद्ध भिक्खु है कोई दंड करके थे उनसे जाते थे सब ये ज्ञान लेने के लिए आप लिंगायत की बात कर रहे हैं जबकि आपके वेद के अनुसार वो नास्तिक हो गया ना और अभी आपने वाल्मीकि रामायण में, में दिखाया कि जो नास्तिक है उसको चोर के समान दंड दिलाना चाहिए बुद्ध चरवाक को लोकायत उसमें लिखा हुआ था कि नास्तिक को यानी कि चरवाक या लोकायत

ये देखें ऐसे तो आप जाइएगा तो भारत में जितने प्राचीन लोग थे बौद्ध विद्वान जितने लोग थे उनको बमहन कहा जाता था तो, तो सब उनको भी आप क्रेडिट आप ले लेंगे कि वो ईश्वर नहीं मानते थे अब शर्वाक वाले लोकावत वाले ईश्वर नहीं मानते उसको भी आप ब्राह्मण कह रहे हैं आपके वेद में लिखा है कि जो नहीं मानता है वो नास्तिक है उसको चोर के समान दंड लाया जाए तो वो ब्राह्मण थोड़े उनको कह रहा है और उल्टे ये भी तो लिख रहा है ना वाल्मीकि रामायण तो ये भी लिख रहा है कि उनसे उन्मुख ब्राह्मण उनसे वार्तालाप तक ना करे तो आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं ये देखिए ना आप खुद देख लीजिए ये शब्द साफ साफ लिखा है ना इसमें लिख रहा है उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो उससे वार्तालाप तक न करे तो उसको नास्तिक कह दिया नास्तिक ब्रैकेट में चरवाक दे दिया इसी चरवाक को लोकायत तो आपका साफ़ साफ़ साफ इनको ब्राह्मण नास्तिक को अलग कर रहा है ना समझ रहे हैं आप उसको ब्राह्मण कह के क्रेडिट नहीं ले सकते ना आपके ब्राह्मण कहने का मतलब वो हुआ जो ये क्लेम कर रहा है कि हम ब्रह्मा के मुंह से पुत्र से मुंह पुत्र हैं हम पेदों को मानते हैं हम सारे धर्म ग्रंथों को मानते हैं वो आपके ब्राह्मण है समझ रहे ना वो नहीं है जिसको आप खुद से क्लेम कर रहे हैं कि वो भी हम ब्राह्मण उसको मान ले जी ठीक है सर मेरा जो दूसरा जो पॉइंट था वो इस इसमें था कि आपको तो उसके उसके अलावा कोई भी और ब्राह्मण आपको नहीं मिला जो आपको छुआछूत भेदभाव जातिगत ये सामाजिक असमानता खत्म करने के लिए काम किया हो एक भी ब्राह्मण नहीं मिला नहीं सर अगर वो अगर वो उसने जाति प्रथा के खिलाफ बोला तो जैसे आपने बोला वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण नहीं रहेगा है ना नहीं रहेगा ना वो नहीं ऑटोमेटिकली क्या आपका धर्म ग्रंथ ही कह रहा है ना उसको की वो है ही नहीं ब्राह्मण ब्राह्मण से वार्तालाप करने का सब मना कर रहा है ना उसको नास्तिक ना वो तो चोर कह दिया ब्राह्मण कह रहा हैं है ना ठीक है सर मतलब मैं मैंने धर्म ग्रंथ सारे नहीं पढ़े तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्या सही हुँ, क्या, क्या गलत लेकिन आप मैंने अभी पिछले ही एक दो स्ट्रीम की है जिसमें मैंने ये दिखाया भी है की लोकायत जो है वो ज्ञान लेने जाते थे

तो और कोई ब्राह्मण आप आप नहीं जानते हो इसके अलावा मतलब कि चार वाकों के अलावा या लुकायत के अलावा नहीं नहीं सर आ, वैसे तो जो मैंने स्ट्रीम पे आपको नाम बताया था वो फेमस नहीं है

जाकर वहां पे कभी प्रदर्शन किया है नहीं नहीं सर ये कभी नहीं किया नहीं किया है तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि ब्रह्मेणिकल क्या होते हैं कि जब कहीं नास्तिकों से मिलेंगे या किसी इनसे मिलेंगे तो थोड़ी इनकी बातें कर लेते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़े समाज पे एक अगे सिंगल ब्राह्मण का आप नाम नहीं बता पा रहे हैं ऋतिक मिश्रा आपके जैसे ऐसे बोलने वाले बहुत हुए हैं इतिहास में जो ऊपर से कहेंगे कि हाँ यार इनको होना चाहिए होना चाहिए पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके कोई इम्प्लीमेंटेशन किए हों भाई ब्राह्मणों ने आज राम मंदिर बनवा दिया बताइए राम मंदिर बनवा दिया मनु की जिस मनु जैसा धूर्त कोई व्यक्ति नहीं हुआ उस मनु का हाई कोर्ट राजस्थान के आगे मूर्ति लगी हुई है जो व्यक्ति जो है पूरे बहुजन समाज के हक अधिकार छीनकर सारा चीज ब्राह्मणों को देता है जरा सोचिए एक ब्राह्मण आज तक आगे नहीं आया जो ये कहे कि नहीं नहीं राम मंदिर वगैरह ये सब जो है नहीं बना के बल्कि हम लोगों को तो ये जितना पैसा खर्च हो रहा है उस बहुजन समाज को देना चाहिए जिसके आज तक हक अधिकार हम छीन के लाए हैं समझ रहे हैं आपके लोग जो हैं सुदामा को यानी कि गरीब ब्राह्मण का टैग चलाते हैं कि उसको हक मिलना चाहिए हक मिलना चाहिए लेकिन एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जिसने एस सी एस टी ओ बी सी को हक मिलना चाहिए उसके लिए टैग चलाए हो सोशल मीडिया या कहीं पे भी तो एक सोशल आपका ब्राह्मण नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे टैग तो एक आसान बात है लेकिन हाँ मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जिसने डंडे खाए हो प्रोटेस्ट नहीं आसान काम नहीं है अगर आसान काम होता ना तो ब्राह्मण वो भी काम कर देता है एक आप देख लीजिए सबसे ज्यादा एस सी एस टी ओबीसी को जलील किया गया है प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर कोई उसको आरक्षण कोर कर रहा है कोई खैरात कर रहा है कोई कुछ भी कहे जा रहा है कोई अयोग्य कह रहा है कोई मलाई कह रहा है लेकिन सुदामा के लिए सुदामा कोटा जो दिया गया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन उसके लिए एक भी ब्राह्मण ये बात कहा एक भी बात कहा इससे ये पता चलता है कि सारे ब्राह्मण जो हैं जातीय नस्ली तौर पे अंदरूनी मानसिक बीमार हैं उनकी नफरत भरी पड़ी है ना सी एस ओबीसी के प्रति जो उनके प्रतिनिधित्व जो गया, उस पर तो गाली टीका, के से नहीं निकलता कि भी दिया जा रहा है। मतलब अपने को रिजर्वेशन मिले तो बहुत अच्छा और दूसरे को जिस एक्चुअल में अधिकारी है जिसका आपने छीन के रखा है उसको मिल रहा है उसको गाली पर गाली गाली पर गाली दिए जा रहे हैं ऐसी मानसिकता को हम लोग क्या कहें ऋतिक मिश्रा आपने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया

बहुत प्रयास कर कर के लोगों ने बनाए हैं नहीं तो ये तो अपने घूमते रह जाते थे और बेमेनिकल सिस्टम का क्या है इनके ही लोग बैठे हुए हैं हाँ भाई हम जानते हैं दुबे जी चौबे जी मिश्रा जी चतुर्वेदी जी, जी ये जी वो जी लीजिए

का कोटा ले, ले के कितने कितने स्कॉलरशिप का गबन कर दिया इनके नाम पर इन्होंने एडमिशन ले लिए और कितने कितने स्कॉलरशिप खा खा गए कितनी खा गए। ये पूरी रिपोर्ट आई भरी पड़ी हुई है इस हद तक गिर गिर के लोगों ने काम किया है आप कहाँ है ऋतिक मिश्रा जी सर मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ हम इस आठ लाखे में आठ लाख के कोटे में आते थे जब मैं सर्टिफिकेट बनाने के बहुत होता है और इसलिए नहीं क्योंकि आ, मेरी जाति ब्राह्मण बल्कि इसलिए कोई भी जाति का वहां जाएगा उसके लिए बड़ा ही पेपर वर्क काफी ज्यादा प्रोसेस होता है वो रोज रोज आपको तो मैं इतना नहीं कर पाता था इसलिए मैंने छोड़ दिया तो ये काम यहाँ पे इशू जातिवाद से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन खराब होगा तो हर जाति के इंसान को दिक्कत फेस करनी पड़ेगी सवाल यही है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में है किसके लोग कौन लोग हैं भाई आप जब तक एस सी को आप उनका रिजर्वेशन नहीं देंगे तब तक वो सिस्टम में नहीं पहुंच पाएंगे इंटरव्यू में तो वैसे ही आप निकाल दोगे वो तो कहिए कि रिजर्वेशन आता है तो आपको मजबूरी में देना पड़ता है वो भी नहीं दे रहा है ना वो भी आप जाके देख लीजिए तो जहाँ पे सताइस परसेंट ओ होना चाहिए वहाँ कहीं कहीं पे पांच ही परसेंट है एस सी होने चाहिए बाकायदे उनके इक्कीस परसेंट साढ़े वो भी वहाँ पे नहीं है कहीं पे पंद्रह कहीं पे बारह परसेंट ऐसे है तो भी तो जितना रिजर्वेशन है उतना भी तो नहीं दिया जा रहा है ना चक्कर तो ये है आप जो आए थे थे मुद्दे पर कुछ आप आप शुरू में बोल रहे थे कि आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको आप कर लीजिए नहीं तो वो मेन मुद्दे छूट जाएंगे आपके जी सर जी मैं मैं उसी बात हूँ खैर मेरी दूसरी बात मैं तीन बात जो करना चाहता हूँ उनमें पहली तो मैंने बोल दी दूसरी बात ये थी कि आपको ये मानना चाहिए कि हमारे पास भी हर फील्ड का ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं हम बुक पढ़ते इसीलिए जैसे आपसे

और दर्शकों को एक बार ये एक्सप्लेन कर दूं मैं ये एग्जांपल देता हूं कि आ, एक आदमी आपके पड़ोस में आया उसको एक्स बोल उसके दो बेटे हुए अच्छा अच्छा एक चीज बताइए मुझे आप जो ये बता रहे हैं आपने कहा कि जेनेटिक्स जो है इस बात का प्रूफ नहीं होता है तो ancestry, आप इस चीज को कैसे हाँ एनसेस्ट्री का प्रूफ नहीं होता है इस बात का आप कैसे प्रूफ करेंगे कि जिस रिसर्च पेपर के हवाले से आप इन तरह की बातों की बा, बात कहना चाहते हैं वही रिसर्च पेपर जब इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये ये ब्राह्मण जो हैं सबसे बाद में आए हैं भारत में इन इन जेन, जेनेटिक स्टडीज ने बताया है उनको आप कैसे डिनाइट करेंगे आप दो का जो बामशेड का जो रिपोर्ट आई थी पूरा जेनेटिक्स का उसको आप कैसे डिनाइट कर देंगे जो पूरे इंटरनेशनल स्तर पर पूरे दुनिया के सारे लोग मिल जब ये बात कह रहे हैं ठोक के कह रहे हैं उसको आप कैसे डिनाई कर लेंगे फिर

एक ही टाइम का आए थे ना और अगर आप कह रहे हैं कि जो मैं तुम बोल रहा तो हूँ तो उसी ने ये भी तो लिखा है ना की तिवारी ब्राह्मण जो है बहुत बाद में आए हैं तो ये भी लिखा है नहीं नहीं सर ये बिल्कुल नहीं लिखा मैं जो एक्जेक्ट लिखा अच्छा नहीं लिखा है आप ये कह रहे हैं की ये बात नहीं लिखी है जो मैंने आपने इसी चैप्टर में उसने ये सारी बातें लिखी हुई है

जो जो ब्राह्मणों को, को साफ साफ क्लियरली विदेशी ठहराया है पूरा वो थीम ही है चैप्टर फोर है उसका लास्ट में आप देख लीजिएगा अंतिम प्रवासी आर्य उसमें उन्होंने इस चीज को पूरे क्लियरली दिखा दिया है की बाहर

मोहक मंगल की एक वीडियो है उसमें उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डेटा कोट किया है मेघवाल कम्युनिटी राजस्थान में एक एससी कम्युनिटी है उसकी परसेंटेज सिमिलरिटी एन के साथ 60 है बल्कि वेलम्मा कम्युनिटी जो आंध्र प्रदेश की अपर कास्ट कम्युनिटी है उसकी परसेंटेज सिमिलरिटी फिफ्टी फोर परसेंट है मतलब एससी की ज्यादा है सिमिलरिटी और जो अपर कास्ट कम्युनिटी है या फिर ब्राह्मण जो होंगे

ने यह चीज थोपी और भारत में भी ईसा की पहली दूसरी सदी के बाद से धीरे धीरे लोग अपने ही कबीले में शादी करना शुरू कर दी नहीं तो ऐसे तमाम प्रमाण है जैसे शक राजा था उस नहपान जो है उसकी बेटी की शादी शतवाहन बुधिस्ट से होती है वो दोनों बुधिस्ट है खैर लेकिन अलग अलग ग्रुप के हैं उसी तरह से सेलुकस जो ग्रीक है उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य इन लोगों से होती है तो हमेशा ही दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग शादी कर रहे थे लेकिन आपका ब्रह्मिकल जो है हमेशा ब्राह्मण में ही शादी किया है उसने गोत्र सिस्टम बना लिया उसने जाति और पता नहीं विश्व अश्व क्या क्या चीज बना बना के अपनी ही रखा तो उसका कहीं इंटरमिक्स का घटना ही नहीं है एक दो हुई होंगी इंटरमिक्स की उसने भी किया होगा लेकिन उसने व्यापक तौर पर जैसे इस्लाम मुस्लिम ने दूसरे दूसरे धर्मों की लड़की से शादी किया वैसा ब्राह्मणिकल सिस्टम ने नहीं किया उसने अपने में ही शादी का रखा तो आपके ज्यादा इंटरमिक्स होने की घटनाएं नहीं मिलती हैं ऋतिक मिश्रा आज भी, 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 भी। ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है बहुत ज्यादा जातिवादी है अपने इस मामलों में

जो पेशवा था बाजीराव उसने मस्तानी से शादी कर ली तो आपने उसका जो बच्चा था बाप भले ही ब्राह्मण लेकिन आपने उसके बच्चे का नाम भी ब्राह्मण नाम या देने से मना कर दिया उसको फिर मुस्लिम बन जाना पड़ा तो आप तो इतने कट्टर थे कि, कि किसी दूसरे महिला को प्रेग्नेंट कर तो सकते थे लेकिन उसके बच्चे को अपना नाम तक नहीं दे रहे थे अपने में शामिल तक नहीं कर रहे थे तो आपका डीएनए एन कहाँ से इंटरमिक्स हो जाएगा इंटरमिंगल हो जाएगा ये सवाल ये तो, है ना तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि जब आप आप बोलेंगे कि आ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बोलेंगे कि ब्राह्मण कम्युनिटी ने ऐसा किया इंसेड ऑफ आपने ऐसा मतलब मैं तो खुद को आपने देख नहीं नहीं आपने आप ऋतिक मिश्रा अभी आप ब्राह्मण हैं अभी ब्राह्मणवाद से निकले नहीं है ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सुधरवादी ब्राह्मण हैं जैसे मैं बता रहा हूँ होता क्या है अपने समय में तिलक को सब लोग सुधरवादी ब्राह्मण समझते थे तिलक जो है ब्राह्मणों में सबसे पढ़ा लिखा था उसको लोग समझते थे कि सबसे सुधरवादी ब्राह्मण है लेकिन तिलक के कारनामे क्या थे कि वो बाल विवाह के खिलाफ कुछ नहीं आप आपके रुकिया पे आप, आपको एक झलक दिखाता हूँ आपके ब्राह्मणों का एक शानदार झलक दिखाता हूँ आप लास्ट टाइम उसका नाम ले रहे थे ना गोडसे का नाम कौन गोडसे का नाम लिए थे आपने राजा राम मोहन राय का भी नाम लिया था ना ब्रह्म समाज का संस्थापक आइए मैं आपको एक पीवी वी नर्सू थे साउथ के प्रोफेसर थे उन्होंने बड़ा खूबसूरत किताब लिखा इंग्लिश में लिखा था मैं हिंदी अनुवाद आपको दिखा रहा हूँ उसको डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ज्ञात जी ने कंपाइल किया है तो ये देखें आप लोगों के समाज सुधारकों की स्थिति क्या है ये सुनिए उन्नीसवी शताब्दी के समाज सुधारकों की जाति के संबंध में भूमिका का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर नरसू कहते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध तो प्रशंसनीय काम किया परंतु जाति और जनेऊ जो शूद्र के लिए वर्जित था से वह मुक्ति पाने में असमर्थ रहे यहाँ तक कि जब वे इंग्लैंड गए तब जाति नियमों के अनुसार खाना तैयार करने के लिए रसोईया यहां से लेकर गए तो ये देख लीजिए ये आपके राजा राम मोहन राय थे कि इंग्लैंड गए थे रसोईया अपना लेके गए पूरे जाति नियम तय करने के लिए जब ब्रह्म समाज का गठन हो रहा था तब अलग कमरे में वेद पाठ हो रहा था और वहाँ हर कोई नहीं जा सकता था तो ये जिसको आप समाज सुधारक कह रहे थे ना ये आपके समाज सुधारक लोग जो हैं अपने वेद ब्राह्मणी नियम जात पात से कभी दूर नहीं होते थे वो ये बात तो कह देते थे दूसरों के बीच में जाते थे कि देखो मैं सती प्रथा के खिलाफ हो गया हूँ क्योंकि उनकी भाभी को जलाने की बात आई थी अपना कुछ फायदा निकालने के लिए लेकिन वो जात पात या उनका वेद या धार्मिकरण उससे आगे नहीं हो पाते थे उन्होंने अपने को ट्रेडिशनल ब्राह्मण से अलग होने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी लेकिन जनेऊ प्रथा थी छोड़ पाए वेद पाठ नहीं छोड़ पाए और सुनिए इसी कारण बाद में जब 1841 देवेंद्र नाथ टैगोर इससे जुड़े हैं, तो वेदों के अत्यधिक आग्रह के कारण यह ब्रह्मो समाज से वैदिक समाज सा बन गया देख लीजिए देवेंद्र टैगोर के जुड़ने से देवेंद्र टैगोर जो है और ज्यादा जातिवादित है ये सीधे सीधे ब्रह्म समाज जो अपने को ट्रेडिशनल ब्राह्मण से अलग कर रहे थे इनकी क्या औकात हो गई कि इन्होंने फिर से उसको वैदिक समाज बना दिया 1857 में जब केशव चंद्र सेन अब केशव चंद्र सेन जो हैं है, लेकिन सुधरवादी ब्राह्मण थे उन्होंने देवेंद्र का जनेऊ उतरवा दिया मतलब ब्रह्म समाज ब्राह्मणों के ही अगेंस्ट में खड़ा हुआ कि हम सुधरवादी ब्राह्मण हैं और उसमें जनेऊ पहन के रहते थे तो केशव चंद्र ने जनेऊ नहीं पहनते नहीं नहीं अच्छा चले ठीक है तो अब यहाँ पे समाप्त करवा दी उतरवा दिया और ब्राह्मण द्वारा ही समाज के कार्यक्रम को चलाने का प्रथा भी समाप्त करवा दी केशव चंद्र ने यह भी व्यवस्था की कि समाज का कोई पुरोहित धर्माधिकारी जनेऊ नहीं पहनेगा देखिए आपका ब्रह्म समाज आ गया अब एक प्रथा भी आ गई कि अब कोई जनेऊ नहीं पहनेगा देवेंद्र नाथ असबल को लग रहा होगा केशव चंद्र तो बड़े अच्छे आदमी है यार बड़ा सुदरवादी ब्राह्मण थे

समाज क्या हो गया आदि समाज और केशव जो थे जो जनेऊ के खिलाफ थे उनकी जो व्यवस्था बनी वो बन गई नई व्यवस्था परंतु इस तरह की प्रगतिशीलता के बावजूद केशव अब जो केशव जो जनेऊ के खिलाफ थे उनकी भी कहानी सुनिए केशव बुनियादी तौर पर बुद्धिवादी नहीं थे मतलब जनेऊ के तो खिलाफ हो गए हैं लेकिन बुद्धिवादी नहीं थे ब्राह्मणिकल सिस्टम में एक एक गोट आती है ना कि आपको ये चीज तो खराब लगेगी लेकिन ब्राह्मणवाद का एक दूसरा पहलू आप पकड़े रहेंगे तो अब ये देखिए क्या करते थे ये वह गुरुओं मतलब की जनेऊ छोड़ के अब गुरुओं वैराग्य अवतारों आविष्ट आदमियों के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाए फल उन्होंने अपने ही सिद्धांतों के विपरीत कदम उठाने शुरू कर दिए मतलब ब्राह्मण कब जो है अच्छी बात करेगा कब अपने पुराने परंपरा पर लौट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता है अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया और मूर्ति पूजा भी करना शुरू कर दिया देख लीजिए जनेऊ तरवा रहे थे शुरू में अब बाद में जो है बेटी का बाल विवाह कर दिए या मूर्ति पूजा भी शुरू बहुत से लोग इसके विरोध में समाज को छोड़ गए अब बहुत से ब्राह्मण शामिल हुए थे कि भैया देखो ये तो बड़े अच्छे आदमी थे बड़े अच्छे आदमी थे शामिल हो गए थे अब सब छोड़ के भागने लगे और तीसरा समाज अस्तित्व में आ गया जो साधारण समाज का हलाया तो देख लीजिए ब्राह्मण जो है हमेशा ही कभी भी अपने ही नियम पे नहीं चलते हैं समाज पर समाज समाज पे समाज, समाज खोलते हैं और प्रोफेसर नर्सू कहते हैं यह जातिवाद और हिंदू ब्राह्मणवादी कर्मकांड तथा पूजा पाठ से पूरी तरह मुक्त है अब ये समाज जो था जिसमें जो लोग छोड़ के चले आए थे किसो को भी छोड़ के उसको ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी कर्मकांड और पूजा पाठ से मुक्त था ठीक है प्रार्थना समाज साधारण समाज से मिलता जुलता तो है परंतु इन्होंने जातिवाद का पूरी तरह से त्याग नहीं किया है अब प्रार्थना समाज की कहानी सुन लीजिए वो भी जातिवाद को नहीं त्याग किया उत्तर भारत में अठारह पचहत्तर में स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि इसके बहुत से सदस्यों ने जाति से नाता नहीं तोड़ा है तो जो आर्य समाज ही आजकल खूब डिंग हाँकते फिरते हैं वो सबसे बड़े जातिवादी होते हैं ये उनके समय के ही प्रोफेसर नरसू जो थे वो लिख गए थे ये लिखते हैं कि परंतु वास्तव में जाति से नाता तोड़ना आर्य समाज का कभी एजेंडा ही नहीं रहा जैसा हम लोग कहते हैं कि किसी भी ब्राह्मणवादी का कभी एजेंडा नहीं रहा है कि वो जातिवाद से वर्णवाद से या समाज में जो असमानता है इसको हटाने के लिए काम करे उसका कभी एजेंडा नहीं रहा है हमेशा उसका एजेंडा क्या रहता है कि हमारा ब्राह्मण समाज हमारे खिलाफ कोई ना बोले हम ब्राह्मण हैं हम लोग अच्छा बुरा भी किए होंगे तो चलो वो बुरा है लेकिन अभी हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए मतलब वो ये तो चाहता है कि दूसरा कोई बुरा किया है तो उसकी सजा मिले पर वो ये चाहता है कि हमारे पुरखे जो बुरा किए हैं उसकी सजा हमको ना मिले मतलब वो ऐसा व्यक्ति है ऐसा स्वार्थी व्यक्ति है कि कभी किसी के प्रायश्चित नाम की उसके अंदर चीज ही नहीं है पुरखे किए तो पुरखों को मिलाट देगा लेकिन बात भी की मानते रहेगा तो चक्कर पे आपको देखने को मिलता है फिर यह लिखते हैं यह एक भ्रांत धारणा फैलाई गई कि आर्य समाज जन्मना जाति के स्थान पर कर्मणा जाति की बात करता है जबकि व्यवहार में वह हमेशा जन्मना जाति का ही समर्थक रहा स्वामी दयानंद सरस्वती ने हर बच्चे के संस्कार करने के लिए संस्कार विधि नामक ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने यह आदेश दिया है कि जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेकर दस दिन छोड़कर ग्यारहवें से एक सौ एकवे दिन अथवा दूसरे वर्ष के आरंभ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम धरे नाम कैसे धरना है तो वही जाति सूचक नाम जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्मा का विष्णु वर्मा वैश्य का विष्णु गुप्त शूद्र का विष्णुदास इस प्रकार रखना चाहिए और ये जो दयानंद सरस्वती है उनके पत्र विज्ञापन पृष्ठ थ्री पे लिखा हुआ है तो आगे अब वही क्वेश्चन आते जाता है कि भाई जन्म के ग्यारहवें दिन ब्राह्मण के बच्चे का नाम कैसे शर्मा रख दोगे छत्र का वर्मा और वैश्य के गुप्त और शूद्र का दास कैसे चस्पा कर दोगे जब उसने कोई कर्म ही नहीं किया है तो और ये आर्य समाज कह रहा है सोचिए फिर एक व्यक्ति थे वी ए संतराम संतराम बी ये ओबीसी समाज से आते थे तो जब आर्य समाज आया उसने जो लोगों को सब बाग दिखाया कि भाई देखो सब लोग जो है ना कोई भी वेद पढ़ सकता है को, कोई भी जाति से जन्म से नहीं कर्म से होता है तो बहुत सारे ओबीसी लोग फंस गए इसमें ई भी फंस गए संत राम बी लेकिन संत राम बी जब बाबा साहब से मिले उनसे जब सही से विचारधारा जाने तो जानने के बाद से जब कुछ क्वेश्चन खड़ा किए तो देखे इसमें लिखता है यही कारण है कि जाति भेद को तोड़ने वाले अब इन लोगों को समझ में आ गया संतराम बीए को जाति भेद को तोड़ने वाले संतराम बीए जैसे लोगों को आर्य समाज से बहिष्कृत कर दिया गया अब आर्य समाज ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर दिया कि अरे यार ये तो जाति तोड़ने की बात कर रहा है तब इन्होंने अपना एक जाति तोड़क मंडल बना लिया था संतराम बी जो है जाति तोड़क मंडल बना लिए थे फिर बाबा साहब को भी एक बार इनवाइट किए थे कि आप आइए अध्यक्ष बन के अपनी बातें रखिए इसमें और फिर सारी उम्र जो है यथाशक्ति गोला बार्ती करते रहे जाति पर तो ये देखने में आया है कि यहाँ पे जिस व्यक्ति भी आपके ग्रुपों में शामिल हुआ ओबीसी के वर्ग के जब उसने आवाज खड़ा की कि यार जातियां खराब है तो आपने उसको भी बहिष्कृत कर दिया तो समाज सुधार के नाम पर और किताबों में आप लोग ये आर्य समाज को समाज सुधार समाज के नाम से पढ़ाते हैं विवेकानंद को समाज सुधार के नाम से बढ़ते हैं आगे इन्होंने विवेकानंद पे भी हमला किया है इन्होंने कहा है कि रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है परंतु इन लोगों ने न जाति को छोड़ा न बाल विवाह के विरुद्ध मुंह खोला देख लीजिए इन दोनों में से चाहे विवेकानंद हो या रामकृष्ण किसी ने भी बाल विवाह के विरुद्ध मुंह नहीं खोला था न जाति छोड़ी तथा न ही अन्य सामाजिक बुराइयों की बुराई की ये बुराई भी नहीं की सामाजिक बुराई बस पुरानी सड़ी गली प्रथाओं को युक्ति संगत सिद्ध करते रहे योग और वेदांत के नाम पे तो ये जो है आप देख लीजिए कि इस तरह के जिनको समाज सुधार के रूप में आप लोगों ने पेश किया ब्राह्मण समाज पेश करने की कोशिश करता है उन लोगों की ये हकीकत है ये है ऋतिक मिश्रा और कोई आप पे प्रश्न है जी सर जहाँ तक स्वामी विवेकानंद और बाल विवाह का वो है तो अगर कोई दर्शक अभी गोल करना चाहे तो उसको काफी कोर्स मिल जाएंगे स्वामी विवेकानंद के बाल विवाह आ... एक मिनट, एक मिनट, के लेकिन तो नहीं नहीं गूगल करके बाल विवाह के विरुद्ध उन्होंने क्या काम किया जैसे राजा राम मोहन राय जो है उनका सती प्रथा के नाम चस्पा हो गया भले ही वो वेद वेद मानते थे भले जाति करते थे जनेऊ पहनते जो भी करते थे लेकिन चस्पा हो गया लेकिन विवेकानंद ने अगर बाल विवाह के खिलाफ बोला तो उनकी किताब में ये चस्पा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है ना कोर्ट के रूप में तो जब ये क्वेश्चन यहाँ खड़ा हो गया प्रोफेसर नर्सू ने खड़ा कर दिया प्रोफेसर नर्सू एक जाने माने प्रोफेसर थे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश भी उनकी काफी इज्जत करते थे बाबा साहब उनको अपना गुरु मानते थे बोलते थे कि हाँ इनकी किताबें पढ़नी चाहिए तो अब ऐसे व्यक्ति जब बड़ा व्यक्ति खड़ा कर देगा इन लोगों पर सवाल तो कोर्ट्स बना के आप फेक न्यूज फैला सकते हैं कोर्ट्स बना के तो ये लोग आइंस्टीन और पता नहीं शोर्डिंगर और कौन कौन से वैज्ञानिकों से भी ये पता नहीं क्या क्या छपवा देते हैं कि इन्होंने कोर्ट्स में ये कह दिया वो कह दिया तो कोर्ट्स को हम लोग एविडेंस नहीं मानते ना इनकी एक्चुअल जो बुक

एविडेंस मैं मैंने ये, आप... ये ये सुनिए ये जो किताब है ना ये जो मैंने दिखाई है ये जो चीज चीज दिखाई है यह मैंने क्लेम नहीं दिखाया है ये किताब के जो लेखक हैं ये अरे गहरे व्यक्ति नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर रहे हैं लगातार और उसके चोरी रहे हैं एक लंबे समय तक बहुत बड़े लेखक हैं इनकी मार्केट में कम से कम सात आठ भाषाओं में इनकी किताबें अवेलेबल हैं और सौ से ज्यादा डेढ़ सौ से ज्यादा किताबें बहुत ऑथेंटिक राइटर हैं जिन्होंने ये चीज लिखा है तो उनकी लिखी हुई बात को मैंने दिखाया है मैं अपने तरफ से कोई क्लेम सिंगल क्लेम सिंगल तक नहीं करता हूं अपने तरफ से और भी भी नहीं कि ये किसी गैर ब्राह्मण ने लिखा है एक सुरेंद्र सुरेंद्र डॉक्टर कुमार शर्मा अज्ञात डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ये भी, भी ब्राह्मण ही है एक ब्राह्मण ही खुद ये बात को लिख रहा है ये इसीलिए मैं दिखाया हूँ तो मैं कोई सब... भी कोट करता हूँ अपने तरफ से नहीं करता हूँ ना मैं बकायदे किताब ही खोल के दिखा देता हूँ आप देख लीजिए किताब का नाम भी दिखा देता हूँ किस किताब में ये लिखा है ये ये है देखिए डॉक्टर सुरेंद्र जो है जातिवाद की शव परीक्षा डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं संस्कृत के प्रकांड विद्वान है ये अरे गहरे व्यक्ति नहीं है जी सर जी मेरा कहने का मतलब था कि जब आपको अपने सपोर्ट में कोई एक्सपर्ट का को ओपिनियन मिलता है तो आप उसको एविडेंस दिखा देते हैं लेकिन जब कोई आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन आपके अगेंस्ट में बताता है नहीं तो नहीं, नहीं 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 मैं मैं कभी कभी बिना एविडेंस की बात ही नहीं करता मैं आपसे पिछले बार भी कहा था कि जब आपने नाम लिया था राजा राम मोहन राय का तब भी मैंने कहा था कि नहीं थे और आज मैंने किताब खोल के भी दिखा दी कि देखो ये कहा बातें आई हुई हैं मैं कोई भी क्लेम अपने तरफ से नहीं करता जब तक कि वो आपके ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने या कोई विश्वसनीय व्यक्ति जिसकी किताबें ऑथेंटिक हो उसने न लिखा हो ऐसे सिंगल नहीं क्लेम करता ना आप जैसे क्लेम किए हैं वो आप भी किसी में लिख के अगर दिखा देंगे तो उस पर चर्चा हो सकती है जी सर मेरे कहने, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप क्लेम अपने पास से बनाते मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आपके मन के हिसाब से ओपिनियन नहीं देता तो आप कहते हैं ये तो क्लेम है और इसका एविडेंस है एस जी एल थ्री वन सिक्स में जब ओपन चैलेंज ने आपको कुछ बुक्स खोल के दिखाई तो आपने कहा ये तो क्लेम लिखा है एविडेंस तो... उसको उसको मैंने क्लेम इसीलिए कहा क्योंकि उसमें एविडेंस नहीं था ना उसमें उसमें एविडेंस नहीं था उसमें उसने जो सपोर्ट किया था आपने ध्यान से सुना नहीं उस चीज को देखें उसमें क्या बात चल रही थी कि उसने दो किताबें दिखाई और दोनों किताब में जो ऑथर की राय थी उस चीज को उन्होंने दिखाते चले गए जैसे यहाँ पे इन्होंने कोट किया कि प्रोफेसर नर्सू ने ये बात कही है इस किताब में इन्होंने कोट किया कि प्रोफेसर नर्सू ने ये बात कही

की एक सिमिलैरिटी बनाई थी उसको उसने आधार बनाया आप ध्यान से सुनिएगा दोनों ही किताब में उसी को आधार बनाया गया लिंग्विस्टिक को डीएनए उस समय था नहीं और कोई इंस्क्रिप्शन का है नहीं कोई है नहीं सिर्फ और सिर्फ था तो विलियमसन ने जो सिक्स 1776 में, 1776 में बनाया था वो चीज था तो मैंने वहां पर मेरा आर्गुमेंट आप अगर शायद आप शायद मेरी सारी वीडियो नहीं देखे हैं अगर आर्गूमेंट देखते हैं आप एक मिनट में पकड़ लेते हैं कि मैंने क्यों कहा था मैंने वहां पे क्या कहा कि 1776 में न तो भारत के गुप्त लिपि को पढ़ा गया था न नशुंग लिपि को पढ़ा गया था और न पाल लिपि को पढ़ा गया था न सम्राट अशोक के लिपि को पढ़ा गया यानी कि भारत में हजार साल पहले क्या भाषाएं थीं उसके बारे में तब जानकारी ही नहीं थी संस्कृत को ही पुराना मान के विलियम्सन सत्रह में उस चीज को बना चुका था अठारह में गुप्ता की लिपि पढ़ी गई यानी भारत में डेढ़ क्या चीजें पढ़ी जाती थी ये 1817 में जबकि वो चार्ट उसने जो हवाला दे रहा था सत्रह का यानी कि वो जब चार्ट बनाया गया तब संस्कृत को ही सबसे पुराना माना जा रहा था और बाद में पता चला 1817 में कि गुप्ता लिपि में तो धम्म लिपि जो है पाली पाकित मिश्रित उस समय चल रही थी और उससे पहले और अठारह जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन तब पता चला कि भारत की तो सबसे पुरानी भाषा पाली पाकित है जबकि ये उससे काफी समय पहले सत्रह में ही संस्कृत को पुराना मान के लिंग्विस्टिक स्टडी विलियम्सन कंटिन्यू कर चुके थे जितनी भी किताबें वो जितनी किताबें वो दिखा रहे थे इसीलिए मैं पूछ रहा था कि लिंग्विस्टिक का जो आप दे रहे हैं एविडेंस वो अन अपडेटेड है अपडेट ही नहीं हुआ था वो समझ रहे है ना अपडेट ही नहीं हुआ था अब संस्कृत जरा सोचिए कि 1776 में संस्कृत को उसने पुराना मान लिया जबकि अब जितनी स्टडी हुई है उससे ये पता चल रहा है कि संस्कृत तो पिछले दो साल में धीरे धीरे विकसित हुई है डेढ़ हजार साल में पाड़ेनी के तो एक हजार सूत्र सेवन सेंचुरी तक थे अष्टाध्यायी नाम इलेवेन्थ सेंचुरी तक नहीं था अब चार हज़ार सूत्र इन्होंने बना दिया तो संस्कृत तो एक हज़ार साल की भाषा है तो अगर कोई सिमिलरिटी इससे बनाएगा पुरानी भाषा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दसवीं सदी तक कह सकते हैं कि दसवीं सदी में संस्कृत बना तो आप आप जब वहां से माइग्रेट कराएंगे कहीं विदेश से तो दसवीं सदी में कराएंगे ना क्योंकि संस्कृत तब बन रहा है ना आपका या पिछले 2000 साल के अंदर कराएंगे आप ईसा से 3500 साल पहले माइग्रेट नहीं करा सकते ना क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज तब डेवलप ही नहीं हुई है जबकि सत्रह में संस्कृत को ही पुराना मान के उसने माइग्रेट करा लिया कि पैंतीस साल पहले आ गए थे वो और, और वही भाषा लेके आए थे संस्कृत ये चीज थी वहाँ पे बोलिए सर आपने कहा कि उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन दिखाया लेकिन एविडेंस नहीं दिया तो क्या सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो सकता है की यहाँ पे भी तो उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन बताया लेकिन एविडेंस नहीं दिया किसने किसने आ, यहाँ पे जो विवेकानंद को कोर्ट किया गया है कि विवेकानंद नहीं 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 यहाँ यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे इन्होंने बाकायदे कोर्ट कर दिया है इन्होंने यहाँ पे लिखा ना कि विवेकानंद ने कहीं पे भी इसके खिलाफ नहीं बोला ए, ए, सुन लीजिए स्टेटमेंट में बता रहा हूँ मैंने विवेकानंद की सारी किताब भी पढ़ी ऐसा नहीं है कि ऐसे मैं बोल दिया हूँ पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको ये समाज सुधारक पहले तो इन्होंने कोट किया कि प्रोफेसर नरसू ने ये बात लिखी और ये बात जब आई कि जब इंग्लैंड गए तब जाति नियमों के अनुसार खाना बनाने के रसोईया यहाँ से लेकर गए थे आप इसकी काट बता दीजिए कि क्या जब वो गए थे विदेश में गए थे इंग्लैंड गए थे तो क्या वो खुद से रसोई लेके नहीं गए थे आप इनके पास काउंटर आर्गुमेंट दे देंगे ना और फिर यहाँ पे जब ब्रह्म समाज का गठन हो रहा था तब उनके अलग कमरे में बेड पाठ हो रहा था आप इसका बता दीजिए कि क्या वो वेदपाठी नहीं थे फिर ये बता दीजिए कि देवेंद्र टैगोर से और केशव चंद्र में क्यों झगड़ा हुआ किन मुद्दों पर झगड़ा हुआ और क्यों दोनों ने अलग अलग समाज बना लिया और उसका कारण जनेऊ था उन्होंने जनेऊ उतरवा दिया तो इन चीजों को आपको काटने के लिए यहाँ पे प्रॉपर आर्गुमेंट भी है ना यहाँ पे कि ये दोनों में बंट रहा है ना दोनों के अलग अलग समाज अस्तित्व में है तो आप कारण पता कर सकते हैं कि जब भी कोई पार्टी दो भाग में बंटती है तो उनके बीच में क्या लॉजिकल डिफरेंसेस आए थे जिसके कारण से वो बटा यहाँ पे आप आर्गूमेंट कर सकते हैं ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई वो नहीं है एविडेंस नहीं है भाई दो समाज बट गया फिर तीन समाज बट गया और यहाँ पे ये भी बात लिखी है, सुन लीजिए तो उन्होंने जब अपनी बेटी की शादी की अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया आप उनके बेटी का पता लगा लीजिए कि क्या उन्होंने अपनी बेटी की शादी 18 साल से बड़ी में कर दी थी तो आप वो सबूत दे देंगे फिर जैसे मैंने एक सबूत दे दिया आपको कि जब अठा सत्रह में संस्कृत को पुराना मान के उन्होंने ट लगा लिया लेकिन 1837 में पढ़ा गया कि सम्राट अशोक का अभिलेख तो संस्कृत से ज्यादा पुराना है तो ये हमारा काउंटर उसी तरह से आप यहाँ पे बता देंगे जब ये कहा गया कि केशव चंद्र भी बाल विवाह कर लिए हैं मूर्ति पूजा शुरू कर दिए तो आप इनकी चीजों को दिखा दीजिए कि नहीं उनकी बेटी की उम्र तो अठारह साल से ज्यादा में हुई थी आप उसके एविडेंस दिखा सकते हैं और ये क्लेम गलत हो जाएगा क्योंकि दो दो ब्राह्मण का ये क्लेम है एक प्रोफेसर नर्सू और दूसरा डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात दोनों अपनी इस किताब में कंपाइल कर रहे हैं तो आप उसका काउंटर दिखा के ये कोई क्लेम नहीं है बल्कि ये एक लॉजिकल की ये चीज ऐसा हुआ था समझ रहे हैं ना सर विवेकानंद विवेकानंद चाइल्ड मैरिज का क्या एविडेंस है अपनी खुद यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है की उन्होंने मुंह ही नहीं खोला जी सर चाइल्ड मैरिज पे उन्होंने मुंह ही नहीं खोला तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने मुंह खोला था तो आप उनकी जितनी भी किताब है कहीं से भी कोट निकाल के दिखा सकते हैं कि भाई विवेकानंद तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बोलते थे विवेकानंद तो ये ये करते थे तो वो हो जाएगा ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है ना ये लिखते हैं बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध बताते हैं कि आंध्र प्रदेश से ऐसे तत्कालीन समाचार पत्रीय प्रमाण मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि प्रोफेसर नरसू ने स्वामी विवेकानंद का उनके जीवन काल में इन्ही कमियों के कारण कड़ा विरोध किया था अब ये हवाला भी दे रहे हैं कि उस समय के समाचार पत्र जो है छपते थे जिसमें होता है ना कि आज इस पार्टी ने ये कहा तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है फिर ये चीज छपता है कि भाई प्रोफेसर नरसु ने विवेकानंद जी का विरोध किया तो ये यहाँ पे लिखते हैं कि आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश से के के थे तो वहां के थे तो जो समाचार पत्र वो छपते थे उसके हवाला दिया है कि विरोध था दोनों में किस कारण से विरोध था उसका यहाँ पे अर्गूमेंट दिया गया है फिर ये लिखते हैं कि विरोध किया था और कहा था कि विदेशों में जाकर आप शिवा अंधकार व अज्ञान के और क्या बांटेंगे जब अपने समाज का यह हाल है आई बिल्कुल सही बात है कि विवेकानंद जो हैं, विदेशों में अपना समय बिता रहे थे और भारत में क्या सुधार किए सिर्फ एक रामकृष्ण परमहंस बाकी जगह पे उनका क्या काम है बता दीजिए और सुनिए सोसाइटी की, की थी इस संस्था ने रहस्यवाद की बातें की हिंदू प्रथाओं को सही ठहराया ऐसे में इसने जातिवाद के विरुद्ध क्या आशा की जा सकती थी अब एनी पेशेंट विदेशी एनी पेशेंट नाम है इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी ये भी विदेश की है इसने स्थापना ही कर दी सनातन धर्म के नाम से अब बताइए कि भारत में जहाँ ये लोग प्रार्थना समाज खोल रहे थे जहां पे ये लोग ब्रह्म समाज साधारण समाज और पता नहीं कौन कौन से समाज खुल रहे थे वहां पे विदेशी आके सनातन धर्म का खोला था ये लोग कर रहे हैं ना कि हमारा धर्म सनातन धर्म है इसकी भी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने सनातन धर्म के नाम से की थी अब जाके आप पता लगा लीजिए आपको लग रहा है कि अगर ये गलत एगुमेंट है या गलत चीज है इसमें बताई गई है तो क्योंकि हमारे पास तो इस बात का एविडेंस है कि सनातन धर्म जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजों से आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने इन लोगों ने मिलकर स्थापना की तो जिसे? अगर आपको इसके काउंटर में देना है आपको लगता है कि ये क्लेम है तो आपको फर्दर एक ये भी तो दिखाना होगा ना कि हाँ किताब लिखे हैं तो ये बात है जी हाँ। मैं फ्यूचर के दर्शकों को आ, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ अगर आपको कभी ऐसा कोई एविडेंस मिले तो कृपया एक बार सर को एक बार जरूर दिखाए मेरे पास अभी कोई जरूर लेकिन आखिरी बात एक ये थी कि मेरे पास के की इंडिका की की जो जो बुक है कमेंट्री रिचर्ड स्टोनमैन उसमें कुछ जो की हैं हैं आपकी भी बात जाते क्या मैं उसको एक बार कोट कर सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल कोट कीजिए बिल्कुल बताइए तो मेगस्थनीज इंडिका न्यू ऑफ कमेंट्री रिचर्ड स्टोनमैन इंटरनेट पर अवेलेबल है लिखा है सेंड्राकोटस uh, सेंड्राकोटस कौन थे uh, ये तो मुझे लगता है सभी को मालूम होगा विच कंसिस्टिव ऑफ फोर लैक मैन एंड नो डे एनी थेफ्ट वाज रिपोर्टेड एंड दिस इज अमंग अ पीपल हु हैव नो नो फॉर दे दे डोंट डू नॉट राइटिंग बट कमिट एवरीथिंग टू मेमोरी तो ये तो मेमोरी के सपोर्ट में लेकिन से पहले भी किसी एक इंसान ने बुक लिखी थी इंडिया पे इंडिका उनका नाम था स्टेसियास वो ग्रीक के फिजिशियन थे उनकी लिखी हुई इंडिका को इतना रिलायबल नहीं माना जाता क्योंकि वो खुद कभी इंडिया आए नहीं उन्होंने जो इंडिया के बारे में सुना उसको लिख दिया अपनी बुक में लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो थोड़ा रेलेवेंट है हमारी डिस्कशन पे उन्होंने लिखा है ओरल लिटरेचर डिड मेक सम इंपैक्ट ऑन स्टेसिया ये सब उस बुक में जो मैंने मेंशन किया अर्ली फॉर्म्स ऑफ रामायण महाभारत वर इन सर्कुलेशन इंडिका में है ही नहीं जी -जी. जो जितने भी वहाँ के जो अलग अलग लेखक थे उसको अठारह सो अड़तालीस में शोनबैक ने कम्पाइल करके मैगस्तनीज का इंडिका नाम दिया था ठीक है अब सवाल ये है की जो भी अर्गूमेंट वो देंगे वो ऑलरेडी वो चीज कहीं ना कहीं किसी लेखक के द्वारा ग्रीक के किसी लेखक के द्वारा लिखी हुई होगी तब हम देंगे अगर लेखक जो है खुद अपने तरफ से कोई क्लेम कर रहा है तो वो अपना एक वहां पे जो किसी राइटर ने लिखा है उसके आधार पर वो अपनी कहानी बना रहा है क्या एग्जैक्ट किसी राइटर ने रामायण का वेद का या ये पीढ़ी दर पीढ़ी किसी स्क्रिप्चर याद करते थे उसका मेंशन किया है उसमें किसी भी राइटर ने लेखक ने तो ये लिखा है कि स्टेसियास ने खुद इस चीज को मेंशन किया है अपनी राइटिंग्स अब अगर अब आप, नहीं नहीं आपने किसका नाम लिया ने. कौन सी सदी के थे ये? ये मुझे यहां पे? कहां पे किसने मेंशन किया है? क्योंकि पूरी मेगस्थनीज की इंडिका में न किसी ब्राह्मण का नाम आया है न किसी वेद का नाम आया है न किसी रामायण महाभारत का नाम आया है किसी भी ब्राह्मणिकल कोई स्क्रिप्चर का नाम नहीं आया है बस समन नाम आया है ब्रचमैन नाम आया है और उनके बूटा नाम आया है यानी बुधा को बोटो या बुधा कहते थे तो उनका नाम आया है उनके अनुयायियों का नाम आया है लेकिन किसी भी आपके ब्रेमेनिकल एक सिंगल स्क्रिप्चर्स तक का नाम नहीं आया पूरे मेगास्थनीज की इंडिका में जी सर तो आपको फिर सवाल तो रिचर्ड पूछना चाहिए जिन्होंने अपनी किताब में नहीं नहीं सवाल, नहीं सवाल तो वो थोड़े कंपाइल करता है मेगास्थनीज की इंडिका तो कंपाइल की है सोनबैक ने ना ये तो रिचर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं ये तो क्या किए हैं की कि उसकी किताब में अपना फर्दर एक आर्गुमेंट उसमें डाल रहे है ना ये ये अपना अलग से एक अर्गूमेंट डाल रहा है अपनी कमेंट्री डाल रहे है ना उसमें जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी ने कोई किताब लिख दी अब उस किताब का आपने पढ़ा और अपने हिसाब से कुछ नया चीज उसमें बता दिए कि ये जो कह रहा है ना इसका मतलब किसी रामायण की बात कर रहा है महाभारत लेकिन उस किताब में कहीं नहीं मेंशन है इस चीज़ को ये जिसकी आप नाम ले रहे हैं वो अलग से ये स्टेटमेंट दे रहा है ना अपने तरफ से दे रहा है वो सब पायल किया है शोनबैक ने उसमें लिखा ही नहीं है पूरे शोनबेक की जो किताब है उसमें कहीं भी रामायण महाभारत का जिक्र ही नहीं आया ना ब्रह्मा विष्णु दुर्गा काली किसी का भी जिक्र नहीं आया है सिवाय बुधा के ओके सर ओके फिर तो मेरी ना जिसका भी रिचर्ड जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कंपाइल नहीं किया है ये अपना अलग से कमेंट्री देके अपना उसमें कुछ स्कोप खोज रहा होगा ना उसने ये नहीं किया है एक्चुअल कंपाइल सोन बैक ने किया है की का और उसने भी कहां से कंपाइल किया है जो अलग अलग लेखक है तो सवाल ये है कि कौन से लेखक ने रामायण भारत का उल्लेख कर दिया था वेद का कौन से लेखक ने कर दिया था ये भी तो सवाल है ना ठीक है सर तो जो आपने आ, आर्गुमेंट रेस किया है उसके बाद तो मुझे इस बुक में इस कुछ भी कोट करने का कोई पॉइंट नहीं रह जाता फिर तो आ... नहीं बिल्कुल कर सकते कर सकते हैं लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो शॉनबैक का जो ओरिजिनल जिसने उसको आप ओरिजिनल एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि पहली बार उसी ने कंपाइल किया है बाकी लोग अपनी कमेंट्री देंगे ना उस पर कि वो उससे क्या देखते हैं क्या अनुमान करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे लोग अपना अनुमान जता सकते हैं लेकिन मैं जो एक्चुअल किसी किसी तो तो को अब बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन ये बताइए कि कौन से चैप्टर में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं अलग से कमेंट्री लग रही है मुझे एक बाहर की कमेंट्री जो लोग करते हैं वो लग रही है किताब का हिस्सा नहीं है ये मैं आपको लिंक Okay, जो भी चीजें होती है ना वो कहीं ना कहीं लेखक जो है उसका होना चाहिए ना उसने क्या मेरी स्क्रीन भेजे देख लेता हूँ मैं हाँ आपका स्क्रीन आ गया ये okay, है तो ये जो बुक है इसमें कंटेंट पेज में इन्होंने कमेंट्री के लिए डिफरेंट सेक्शन एक बना रखा है नीचे अगर हम जाए तो ये रही इसके ऊपर जो है मैं यूम करके चल रहा था कि इन्होंने कोर्ट किया कमेंट्री का अलग है और कोर्ट का अलग है तो जो मैंने आपको जो बताया वो यहाँ से बताया था मुझे एक बार सर्च करना पड़ेगा कहा गया हाँ स्टेसियस अर्ली फॉर्म्स ऑफ रामायण ये जो आपने लिखा है ना ओरल लिटरेचर डिड मेक सम इम्पेक्ट ऑन सेलेशियस अब ये देखें ये सेलेशियस जो लेखक है

किया ब्राह्मण और पे जिनके बारे में आ, बड़ी हम बात करते हैं अब लग रहा है, थोड़ा साफ होगा मेगास्थनीज ने यहाँ पे लिखा है की फिलोसोफर दो टाइप के होते थे ब्राह्मण और, और ग्रमन ग्रमन को आगे श्रमण ही बता दिया है ब्राह्मण की ज्यादा पॉपुलेशन थी आ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में है दे ऑल्सो वीव इन मिथ्स अबाउट इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ सोल लेकिन बुद्धिज्म में तो सोल को माना ही नहीं जाता तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जो थे वो आत्मा के अनश्वर होने का आर्ग्यूमेंट देते थे अब यहाँ पे देखिए एक चीज को समझिएगा इन्होंने क्या किया है यहाँ पे ब्राह्मण से लिख दिया है ब्राह्मीण से लिख दिया है और ब्राह्मीण जो है एक्चुअल इंडिका जो कंपाइल हुई है उसमें शब्द ही नहीं आता है वहां पेनगमैन शब्द है तो ये जो आप जिसकी किताब दिखा रहे हैं ना हाँ जो किताब दिखा रहे हैं इन्होंने बहुत चीजें अपने अपने तरफ से जोड़ जोड़ के लिख दी है आप एक काम कीजिएगा सोनबैक की एक्चुअल इंडिका उठा लीजिएगा इन्होंने क्या किया है अपने तरफ से हर चीज को बदल के जो ये दिखाना चाहते हैं जैसे उसको ब्राह्मी लिख दिया लिख भी देंगे ब्राह्मीण भी अगर लिख देंगे ना तो इसका मतलब इस ब्राह्मीण का मतलब आज का आपका वैदिक नहीं होगा या

सोल आत्मा उत्मा तो सेकेंडरी चीज है मेन चीज तो आपके आप यहाँ आप परमेश्वर है तो सर आप में में कहीं कहीं भी ऑफ सोल के बारे मेंशन नहीं नहीं किया होगा हमने ये नहीं कहा हमने हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उसने आपके ब्राह्मण का वर्णन किया होता तो वो सबसे पहले वेद का वर्णन करता की वैदिक ब्राह्मण थे वेद को मानने वाले थे सोल की बात नहीं करता क्यूँकी सोल को मानने वाले भारत में भारत में बहुत सारे फिलोसफर थे ना बुद्धा का टकराट इन्ही लोगों से हुआ था ना बुद्धा की जो टकराट उनसे जो फिलोसफर टकराए

ने और के साथ साथ मेंशन किया आर आल्सो इंडियन बिलीव इन द ऑफ बुद्धा Whom honor as a God. Uh, तो मतलब इन्होंने कहा कि अलग से बताया गया कि बुद्धा को मानने वाले भी लोग एग्जिस्ट करते थे तो अगर सारे ही लोग बुद्धिज्म को मानते थे तो uh, इन्होंने ये अलग से मेगस्टनीज ने क्यों बताया इसी को इन्होंने आ, अपनी कमेंट्री में आगे यही चीज़ तो समझने की बात है कि वो ये बता रहे हैं कि बमन शमन जो थे ये सब के सब बुधा के शिष्य बनते चले गए आप तिपिटक पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि जो बमहन वर्ग है वो हमेशा डरा हुआ रहता था उसने क्या गपोड़ रखा था कि हमें ना कुछ कुछ जानकारियां हैं हमें हेतु विद्या की जानकारी है हमें कुछ ये विद्या की जानकारी है कुछ थोड़े बहुत व्याकरण की हमको जानकारी है उसने तीन तरह की विद्याएं बना रखी थी आजकल के लोग उस तीन विद्या को जबरदस्ती तीन वेद कहते हैं तो वो बमहन वर्ग जो है वो क्या करता था कि थोड़ा सा अपने को पढ़ा लिखा समझता था मैगज भी इसका वर्णन किए हैं कि वो पढ़ता उड़ता था जाता था पढ़ोड़ के आता था लेकिन होता क्या है कि वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि बुधा जो थे इनको कहा गया कि ये ज्ञान के सोर्स थे इनको कहा गया इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसका कोई तोड़ नहीं है तो वो सब के सब डरते थे कि जो बमहन इनसे बात कर लेता था वो तुरंत सरेंडर कर देता था कि हम तो आप ही के शिष्य बन गए हैं इसीलिए जब त्रिपिटक लिखा गया तो उसमें बमन वग्गो शमन वग्गो लिखा गया कि एक वो वर्ग जो पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा या अपने को समाज में ऐसा मानता था कि हम पढ़े लिखे वर्ग हैं वो भी पूरी तरह से सरेंडर करके बुद्धिस्ट बन गया था तो ये यहाँ पे इस बात की चर्चा आई है कि ये लोग थे धीरे धीरे ये सब के सब बुद्धिस्ट बनते चले गए हैं ये आपका वैदिक ब्राह्मण नहीं है ये समाज का एक हिस्सा है जो समाज में भारत समाज में कहा जाता है कि यहाँ पे पूर्व बुद्ध होते थे उनको मानने वाले लोग थे तब भी लोग थोड़ा

उनको मानने वाले भी थे और बुद्धिज्म को मानने वाले भी थे दोनों साथ साथ रहते थे जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया प्रमाण दी डीज़र मेंशन नोवेयर एल्स द नेम इज अनदर डिस्टॉर्शन ऑफ समन

शिवा समझ ना दंती स है जो पाली वाला स होता है दंती स अगर आपका वैदिक होता ना तो एस एच आई वी ए होता शिवा होता शिवा तो ये पाली पाकिवेटी ये ये ऑफ शिवा यानी बोधिशतों को मानने वाले ये बात आ रही है वहाँ पे समझ रहे ना ये कोई हिंदू कल्चर नहीं है आपका अगर हिंदू कल्चर होता तो डिवोटी ऑफ शिवा नहीं डिवोटी ऑफ हिंदू कहा जाता ना वहाँ पे ऑफ वैदिक कहा जाता और आपके वैदिक में तो शिवा नाम ही नहीं है वहां तो रुद्र की बात है वहां तो रुद्र है और जैसे जैसे तीसरा चौथा वेद में जाएंगे तो ग्यारह तरह के रुद्र मिल जाएंगे रुद्र भी पहले एक है बाद में ग्यारह तरह का रुद्र हो जाता है लेकिन ये शिवा शब्द ही पालिका है

अगेन्स्ट में आप बोलेंगे कि मतलब आप डिसएग्री करेंगे बस पूछ रहा हूँ। देखें बाद के लेखक जब इसको कंपाइल किया गया 1848 में मेगस्थनीज की इंडिका को तो जब जब भी आप किसी चीज को कंपाइल करते हैं तो ये पूरा खेल इस बात पर डिपेंड करता है ना कि कंपाइल करता वाले के मन में चल क्या रहा है किस एंगल से वो साक्ष्यों को देखता है किस एंगल से वो सबूतों को देखता है तो जब सोनबेक इसको कंपाइल कर रहे थे तो सोनबैक के दिमाग में उस समय 1848 में बुद्धिज्म था ही नहीं भारत में उस समय बुद्धिज्म का एबीसीडी तक किसी को नहीं पता था अठारह सो अंठानवे में बुधा का तो अठारह सो अड़तालीस में तो 1848 में तो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि भारत में बुद्धिज्म का इतना बड़ा गढ़ रहा होगा कभी तो तब जब सोनबैक इसको कंपाइल कर रहे थे तब उन्होंने जो भारत में परंपरा थी भारत में जो वैदिक और इस तरह की परंपरा थी इन लोगों का प्रभाव ज्यादा था तो इन लोगों के माइंड में ऐसा था ही नहीं था कि उस उस तरह से उस एविडेंस को देखकर कंपाइल कर पाते इसीलिए ये जो जितने कमेंटेटर आके जो कमेंट्री कर रहे हैं कि उसने ये कह दिया उसने वो कह दिया ये इसीलिए ये लोग कह पा रहे हैं यही हाल अलबरूनी के भी समय में था अलबरूनी भी जब सेंचुरी में आया तो उस समय भी यही बात हुई उसका लेखक जिसने कंपाइल किया उस एडवर्ड सचो ने उसने भी यही लिखा कि अलबरूनी को अगर ये बात पता होता कि भारत बुद्ध की धरती है और यहाँ बुद्धिज्म है तो वो अब किताब को ना थोड़ा अलग ढंग से लिखता और फिर किसी को कोई डाउट ही नहीं होता तो ये चीज यहां पे है हम लोग को यही बात समझनी पड़ेगी कि किताबें जब कंपाइल हो रही थी तब लेखक जो है सच्चाई को नहीं जानते थे कंपाइल तो किए जा रहे थे पर एक्चुअल सच्चाई को नहीं जानते थे ये उस दौर में कंपाइल हुई है किताबें ओके सर ठीक है फिर मैं बस आखिरी में बस एक बात सर कहना चाहता था कि आपने आपने उस सेम स्ट्रीम में में आखिरी कहा मैंने सुपर चैट भेजा था कि

सारे ब्राह्मण ये सब बात जानते हैं जो मैं बता रहा हूँ और हमसे पहले ये सारी चीजें जान जान के और उल्टी चीजें थोप रहे हैं समाज पे सवाल ये है कि वो क्यों नहीं ये रिसर्च पेपर आज तक छापे हैं यहाँ पे बात ये नहीं है कि मैं देखें ये बात नहीं है कि मैं छाप दूंगा भाई अर्ली इंडियंस जब किताब लिखा टोनी जोसेफ ने तो उसके काउंटर पर इन्होंने खूब किताबें लिख दी फिर उसी तरह से खूब हमले किए हमले किए जब जब कैथरीन मेयो ने किताब लिख दिया अपनी किताब जब उन्होंने मदर इंडिया लिखा तो उसके खिलाफ तो लाला लाजपत राय से लेकर गांधी से लेकर नेहरू सब के, सब उसके खिलाफ लिखने लगे तो केवल एक व्यक्ति कुछ सच को लिख देगा इससे सच्चाई नहीं बदलती यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ ये सब भी लिखा है बहुत लोगों ने लिखा है सारे ब्राह्मणों को बताया लेकिन वो क्यों नहीं इस बात को लिख रहा है इस सच्चाई को वो क्यों नहीं सामने ले आने की कोशिश की आज तक ये यह पे सबसे बड़ा सवाल है ना हम लोग साथ तो साथ लिखी साथ रहे हैं लिखा भी हुआ है में तो लिखा तो हुआ है आप भारत का ब्राह्मेनिकल यहाँ पे लड़ाई सोशल जस्टिस की ब्राह्मेनिकल सिस्टम इस जब सारे हैक करके बैठा हुआ है पूरा एजुकेशन सिस्टम को अंठानवे परसेंट प्रोफेसर जो है ब्राह्मणवादी प्रोफेस प्रोफेसर बैठे हैं सिर्फ दो परसेंट में एस के पूरा भी आंकड़ा आया है 2022-23 का आंकड़ा आया है नेचर पत्रिका ने इस चीज को छापा है आप बताइए ये प्रोफेसर सारी सच्चाई जानने के बाद से भी सच चीज को क्यों नहीं आज तक छापे हैं क्यों अपनी ध्रता को छापते आए हैं आप चाहते हैं कि हम लोग छापे तो ऐसा थोड़ा है कि हमने नहीं छापा है ऐसी चीजें हम अपने तरफ से थोड़े बोल रहे हैं छपी छपाई है भाई ये सारी चीज है लेकिन आपका ब्राह्मणवादी क्यों इसके अगेंस्ट में लगातार छापते आया जैसे टोनी अगेंस्ट एगेंश्ट के अगेंस्ट में छापा कैथरीन मेयो के अगेंस्ट में लगातार बोला सच चीज को पचाता कहाँ है सच चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना वो हम तो यहाँ अपने पब्लिक से इसलिए मुताबिक हो रहे हैं कि हमारे लोग इस चीज को जाने मौखिक रूप से जाने जो नहीं पढ़ सकते हैं जो एजुकेटेड नहीं है आप एजुकेशन सिस्टम में घुसने क्यों नहीं दिया सी एस टी ओबीसी को इसीलिए तो नहीं घुसने दे रहा है ना कि ये घुसेंगे तो लाइन से अपना छापना शुरू कर देंगे फिर फिर इनका खेल खत्म है

जो हैं इसमें भीतर घुस घुस के शिवलिंग है विष्णु है दुर्गा है गणेश है सब कर रहा है इसकी खोज किसने की थी अंग्रेजों ने की ये बात परामिकल सिस्टम को नहीं पता है अब कोई कहेगा मुझसे कि आप छाप दीजिए पेपर कहिए कि नहीं अजंता कैफ जो है एलोरा कैफ जो है ये बुद्धिस्टों की थी अंग्रेज आए तब उन्होंने खोजा तब ब्राह्मण ने जाके कब्जा किया भाई ब्राह्मण को ये नहीं पता है सब चीज पता है फिर भी, भी भीतर जो है विष्णु दिखा दिखा के किताबे पर किताबें छापे जा रहा है भीतर जो है गणेश दिखा के किताबे पर शिवलिंग दिखा के किताब किताब छापे जा रहा है कि हिंदू का है हिंदू का है हिंदू का है हर जगह क्यों कर रहा है वो तो ये यहाँ पे एक बौद्धिक बेईमानी की बात हो रही है ऋतिक मिश्रा कि जो चीजें यहाँ पे दिखाई गई आप जो चीज देख रहे हैं आप क्यों नहीं इसका रिसर्च और एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग तो अपना कर ही रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे हैं असल क्वेश्चन ये है ना कि जो सिस्टम है वो सत्य के साथ क्यों नहीं है वो इसमें से ट्रूथ क्यों नहीं निकल रहा है सर किताब का जवाब तो एक किताब से ही दिया जाएगा तो अगर वो लोग अगेंस्ट में छाप रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट में छाप दीजिए ऐसी तो रिसर्च आगे बढ़ नहीं, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल बढ़ेगी लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है ना मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मेनिकल सिस्टम क्यों नहीं ये काम कर रहा है जब पूरे एजुकेशन सिस्टम को कब्जा करके रखा है तो क्या इससे ये नहीं साबित हो रहा है कि ब्रह्मेनिकल

वो क्यों नहीं कर रहा है वो सत्य के साथ क्यों नहीं है वो ध्रतता के साथ क्यों है झूठ के साथ क्यों है ये सवाल सर आपका बहुत अच्छा है इसको आप अपने मैनुस्क्रिप्ट में डाल के अपने को आप ऐसी बात नहीं ये आप जो बात कर रहे हैं इससे ये पता चलता है कि आप भी पूरी तरह से इस बात से सहमत अपने बर्मेनिकल सिस्टम की जो थिंकिंग है उससे सहमत है आप सत्य के साथ नहीं है मैं तो सत्य सांथ के साथ रहते रहते तो आप सत्य बात की तरफ जाते ना आप इस क्वेश्चन की स्टडी करते ना कि बिना संस्कृत के वैदिक ब्राह्मण इतिहास में कैसे आ गया और हमको ये चार हजार साल पहले वेद कैसे पढ़ा दिया आपने पिछले बार बताया था कि चार हजार साल पुराना वेद है आपने क्वेश्चन उस पर नहीं उठाया था कि भाई चार हजार साल पुराना वेद कैसे हो सकता है जब पूरी दुनिया लिख पढ़ रही थी सिंधु घाटी वाले लिख रहे थे इजिप्ट मेसोपोटामिया तक लिख रहे थे और हम लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे गपोड़ के ला रहे थे ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है हम लिखे ही नहीं कभी फिर उसी में कह रहे हैं कि रामायण भी लिख दिए महाभारत भी लिख दिए इतने सारे गुप्ता वंश लिखवा रहा है इतने शिला मिल रहे हैं गिलगिट का मेनोस्क्रिप्ट मिल रहा है चाइना वाले लिख रहे हैं सबके मेनोस्क्रिप्ट मिल रहे हैं हमारे मेनोस्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है वो लिपि हम तो को नहीं पता है तो आपने उस पर क्वेश्चनिंग नहीं की सुनिए ऋतिक मिश्रा आपने उस पर क्वेश्चन नहीं की हम लोग यहाँ पे जो इंट्रेक्शन कर रहे हैं लोगों से इसी बात का इंट्रेक्शन कर रहे हैं कि ब्रह्मेनिकल सिस्टम सब चीज जानते हुए भी इग्नोर क्यों बन रहा है आप सारा चीज मुझ पर कर रहे हैं कि मैं करूं मैं करूं मैं करूं अरे भाई मैं कर रहा हूं सवाल यह है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं जो पूरा सिस्टम कैप्चर करके बैठा है वो क्यों नहीं कर रहा उससे जाकर सवाल कीजिए ना वो क्यों नहीं कर रहा है इस सवाल का सर सिंपल सा, सा जवाब यही है तो जो आप सजेशन दे रहे हैं आपको क्या लगता है, है? है? आपके का आप हम, आप हम काम करेंगे अरे हम लोग वो काम कर रहे हैं आप अपने आप से पूछिए अपने उन लोगों से पूछिए वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर वो इसके अगेंस्ट में क्यों कर रहे हैं आप सही जगह पे क्वेश्चन कीजिए ना समझ रहे हैं जब मुझे फिर ऋतिक मिश्रा ठीक है

आप कुछ दान कर दीजिए सब यही हो जाएगा और शैंटिया मोनेक जो है वो लिखती हैं जस्ट क्लेम नो एविडेंस ई डब्ल्यू एस इक्वल एंट्री विदाउट स्कोरिंग